हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। पीएम मोदी ने रमजान की मुबारकबाद देते हुए हजरत मोहम्मद का जिक्र किया, कहा यह बात। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं आपको बताती हूँ आगे की पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के मुस्लिम समुदाय को रमजान की बधाई देते हुए कहा है कि रमजान का यह पवित्र महीना लोगों के मन में करुणा का भाव जगाता है। मोदी ने रेडियो पर मन की बात के दौरान राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि रमजान महीने का सार यह है कि जब इंसान खुद भूखा होता है तो उसको दूसरों की भूख का भी एहसास होता है, जब वो खुद प्यासा होता है तो वो उसको दूसरों की प्यास का भी उसे एहसास होता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शिक्षा और उनके संदेश को याद करने का भी यह अवसर है। पीएम मोदी ने कहा, कुछ ही दिनों में रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। विश्व भर में रमजान पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा और उनके संदेश को याद करने का यह अवसर है। उनके जीवन में समन्वयता और भाईचारों की शिक्षा लेना और उनके बताए मार्ग पर चलना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इस दौरान पीएम मोदी के एक किस्सा सुनाते हुए कहा, एक बार एक इंसान ने पैगंबर साहब से पूछा कि इस्लाम में कौन सा कार्य सबसे अच्छा है। तो इस पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी गरीब और भूखों को खाना खिलाना और सभी से सद्भाव से मिलना, चाहे आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो, सबसे अच्छा कार्य है। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्ञान और करुण में विश्वास रखते थे। उन्हें किसी बात का अहंकार नहीं था। वह कहते थे कि अहंकार ही ज्ञान को पराजित करता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानना था कि अगर आपसे पास कोई भी चीज आपकी आवश्यकता से अधिक है तो आप उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे, इसलिए रमजान में दान का भी काफी महत्व है। पीएम मोदी ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानना था कि कोई व्यक्ति अपने पवित्र आत्मा से अमीर होता है, न कि धन दौलत से। मैं सभी देशवासियों को रमजान के पवित्र महीने की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे आशा है कि यह अवसर लोगों को शांति और सद्भावना से उनके संदेशों पर चलने की प्रेरणा देगा। मालूम हो कि रमजान की शुरुआत मई के मध्य से हो रही है। दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। बाकी दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाती रहती हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।